कोई पद है माइनस 150 है कि नहीं है, यह है इसका मतलब। जब इसको लगाने जाओगे तो यहाँ से तुम्हारा प्रथम पद जानते हो कि a बराबर क्या होता है प्रथम पद, तो हम प्रथम पद तुम्हारा a बराबर कितना कर देंगे 11 और फिर सर्वांतर निकाल देंगे, सर्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 8 माइनस 11 कर दो, आने तो 5 माइनस 8 जानते ही हो कि आगे वाला कर लोगे तो पीछे वाले से क्या कर दो घटा दो उसको, इसको कर दोगे तो माइनस का 3 या तो माइनस का 3 ऐसे लिख लो। ठीक, उसमें व्यापक पद का दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, दिया है क्या चीज कि कौन सा पद माइनस 150 है, यदि मान लो हल कर देने पर 150 आता है तो हम पता बराबर ए प्लस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी, तो ए एन की जगह पर लिख दो 150, ए की जगह पर हो जाएगा 11 और प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 3, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा लड़के और माइनस का 11 बराबर एन माइनस 1 बोलते कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 161 हो जाएगा क्या बोलो, माइनस का 161 हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा और गुणित माइनस का 3 है, अब ये हो जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 161 बटा में देर, ये से तो कट जाएगा, ये कटेगा 6 बार नहीं देर कटेगा नहीं कटेगा, अच्छा तो बाद 161 बटा में 3 प्लस 1 हो जाएगा, एन बराबर 161 प्लस 3 और बटा में हो जाएगा 3, एन बराबर 164 बटा में 3, तब यहाँ पर लिख सकते हुए होता कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, मतलब 150 को पूछ रहा था कि यदि मान लो समांतर श्रेणी है तो कोई पद है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि नहीं है, आई बात समझ में ना, चलो कर लो इसको उतार लो, बाकी दूसरा पढ़ा था।